ले ले। या ये मुमकिन है कि मामला चलता रहे और बस सारे जो ना इसको चलाने में जो ना इस सेटअप को चलाने में इंटरेस्टेड है तो इस तरह से 2-3 महीने गुजार दिए जाएं। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर गवर्नर ने जो परवेज लाई साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा था, इस पर स्पीकर ने जारी सेशन में गवर्नर पर ये हुक्म नहीं दे सकते, आप क्या समझते हैं कानून इसकी इजाजत देता है या नहीं देता सर? नहीं, ये हुक्म दे सकते हैं गवर्नर, आर्टिकल 130 से आर्टिकल 7 जो ना परमिट करता है उनको। आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर ने कम टाइम दिया था, आप ये कह सकते हैं कि रीजन जो है ना वो सेटिस्फेक्शन की ये जो है ना वो मुनासिब नहीं है उनके लिए, मगर ये जो हुक्म है वो मुनासिब है। बहरहाल हुक्म जो है वो मुनासिब है। और सर स्पीकर ने गवर्नर के हुक्म के खिलाफ वर्जी रोलिंग दी, और क्या स्पीकर गवर्नर के हुक्म को रोलिंग देखकर उड़ सकता है उड़ा सकता है, या स्पीकर की रोलिंग को किस नजर से देखते हैं सर? नहीं, स्पीकर ये नहीं कह सकता कि वो गवर्नर के हुक्म को क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये उसका इख्तियार नहीं है। और अगर कोई वर्डिक आए भी, अगर फर्ज कर लीजिए हाईकोर्ट का कोई फैसला आया भी, तो वो इसी तरह से आएगा, कुछ चीजें उनकी गलत हो जाएंगी, कुछ चीजें इनकी गलत हो जाएंगी। सर आखिरी सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नजरिया जरूरत जो है वो फुल ऑन लागू है इस पर, इस फैसले पर? देखिए, नजरिया जरूरत ये है कि ये सर्दियां कम अज कम उस वक्त तक चले जब तक बजट अगला ना आ जाए। बिल्कुल ठीक, और ये नजरिया जरूरत यकीन पूरा होगा किसी न किसी सूरत में भी, इसको जो है ना वो उस इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और इलेक्शन जब होने हैं वो इकट्ठे ही होने हैं, इस फील्ड में नहीं होने। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इसमें फिर आपने एक चीज कही है कि सब जो है सबकी विन है, सब इसमें जीते हैं, क्या इमरान खान की भी जीत इसमें शामिल है या वो लूज कर गए हैं इसमें? जी, इमरान खान को पर्दा मिल गया, इमरान खान भी जो है ये नहीं चाहते थे कि सबकिया टूट जाए, वो उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया था, उसके बाद जो है उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया था सबकिया तोड़ने का, तो अब वो कह सकते हैं लोगों में जाके कि अगर अदालत स्टे ना देती तो यकीन हम सबलियां तोड़ देते। तो इमरान खान भी जीत गए, चौधरी भी जीत गए और पीडीएम भी जीत गई, और केपीके की जो असेंबली है वो इमरान खान ने आज नहीं तोड़ी, उसको भी इससे वो इमरान खान मिक्स कर रहे हैं, उस पर सर क्या फरमाएंगे? वो बहाना बना लिया ना उन्होंने, कहा कि जी चूंकि पंजाब में ऐसी सूरत पैदा हो गई है तो केपीके असेंबली तोड़ा जाना जो है ना वो नतीजे नहीं दे सकती, तो वो असेंबलियां बस देखिए इसमें इमरान खान के मफाद में शायद ज्यादा है, वफाकी हुकूमत की जो अमलदारी है वो तो 27 किलोमीटर पे है, बाकी ज्यादा हिस्सा तो इस वक्त इमरान खान के पास, ज्यादा इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल इमरान खान की लोग नामिनियत कर रहे हैं, तो इमरान खान के मफाद में ये है कि असेंबलियां चलती रहे और लोगों को जो ना वो आगे लगाए रखा जाए। बिल्कुल ठीक है सर, मेरे सवाल खत्म हो गए हैं, मेरे पार्टिसिपेट मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो आखिरी सवाल होगा। जी हामिद साहब सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी कामरान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोले, सवाल बोले प्लीज। अच्छा कामरान साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक लीगल ओपिनियन ये है कि वाइल प्रोवोकिंग 130 and 7 गवर्नर साहब ने जब वीओसी लेने का कहा सीएम को, तो एक लीगल ओपिनियन ये है कि उनको इजलास की तारीख नहीं देनी चाहिए थी, उनको सिंपली स्पीकर को और सीएम को ये कहना चाहिए था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक पीटीआई की तरफ से जो एक लीगल पॉइंट रेज किया जा रहा है कि गवर्नर को जो है स्पीकर के साथ सीएम को भी थ्रू लेटर लिखना चाहिए था, आप क्या समझते इसका इन दोनों बातों में लीगली कोई वजन है? सर आपको आपको आवाज आई सवाल में? सर सुन नहीं पाया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझा देंगे तो मैं फिर दोबारा जो ना मैं आपको मैं सर आपको मेरी अब आवाज आ रही है? सर एक मिनट, अभी अब आपको आवाज आ रही सर इनकी? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छा सर, मेरा पहले इशू है क्योंकि वो हमारे साथ, मैंने आपको कॉल पे लिया, बट आप रिपीट करते हैं। मैं दोबारा सर आपसे ले लूंगा सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। बल्कि साहब क्योंकि वो हमारे सिस्टम में नहीं है उनको, लेकिन वो गुफ्तगु सुनी थी, उनकी गुफ्तगु जो है ना वो सारी की सारी जो है वो नजरिया जरूरत है, और नजरिया जरूरत इस वक्त ये है कि बजट से पहले पहले असेंबलियां जो है वो ना टूटे,
जब तक बजट ना पेश कर दिया जाए, एक तो ये नजरिया है, लेकिन दूसरा नजरिया मेरे ख्याल में ये है कि ये असेंबलियां अगले 6 महीने मजीद लेंगी। 2023 है वो इलेक्शन का साल नहीं है, और इमरान खान साहब भी इसमें बड़े खुश हैं कि इमरान खान साहब जो है वो भी इसमें हैप्पी है कि उनको बहाना मिल गया है, उनको कहने के लिए कुछ मजीद अगले 2-3 हफ्ते मिल गया कि हमें अब असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि हमें अदालत ने कहा है और हमसे लिखवा लिया तो हम अदालत की हुक्म दूली नहीं कर सकते। इमरान साहब किस हद तक मुतफिक है कामरान साहब की बातों से? आप नहीं, कामरान साहब तो बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, लेकिन कामरान साहब जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को फेस सेविंग मिल गई है, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान का जो कोर सपोर्टर था ना, जो यूथिया जिसको आप बदबूदार यूथिया कहते हैं, अब उसको भी अपने आप से बदबू आना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि उसको भी ये रियलाइज हो रहा है कि भैया ये तो हमें बना रहा है कि 26 कहता है कि 25 मई को जो है वो हमने डी चौक पहुंचना है, फिर वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के फिर वो वहां से पलटी खा लेता है, वापस हो जाता है, फिर 6 दिन का अल्टीमेटम देता है, फिर 6 दिन के अल्टीमेटम को 6 माह लग जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ना वो यूथियों को और आम आवाम को जिनको एक साइफर उठा के खत उठा के बताया था कि जी अमरीकी साजिश हो गई है, धमकी आ गई है, अब आवाम को समझ आना शुरू हो गई है। और वो जो एक बहुत सारे ना एंकर आप सुनते होंगे, परवेज भाई और हमारे दूसरे दोस्त, बड़े ये एंकर कहते हैं पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है इमरान खान की। सर ये बबल है, ये झूठी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि ये सारे हमारे एंकर जो है वो सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, यहीं से ये ड्राइव कर रहे होते हैं, यहीं से ये न्यूज ले रहे होते हैं, लिहाजा ये ट्विटर पे समझते हैं कि भाई पॉपुलैरिटी है तो पूरी आवाम जो है वो उसमें बड़ा मकबूल हो गया है। बेसिकली इमरान खान की जो मकबूलियत जो कि उसको वो कैश करवा सकता था जब अप्रैल के महीने में फिलफौर अगर इंतखाबात हो जाते, अब आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा इमरान खान को भी रियलाइज हो गया है भैया अब अगर ये इंतखाब में जाएगा ना, वो जो बबल था वो बस्ट हो चुका है। मेरा ये ख्याल है कि वो बबल बस्ट हो चुका है पॉपुलैरिटी वाला, अब अगले इंतखाबात में इसको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इसको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे जो अगली गेम होने वाली है। अब सारी गेम जो होगी ना वो नवाज शरीफ के रिटर्न की गेम होगी। अब जनवरी से नवाज शरीफ का जो रिटर्न है, क्योंकि अभी नून लीग को सबसे ज्यादा जरूरत नवाज शरीफ की है, जो पूरी कैंपेन चलानी है वो नवाज शरीफ ने चलानी है, और नवाज शरीफ अगर वापस आता है तो नवाज शरीफ वो जो वोटर है उसको दोबारा लेकर आएगा। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ इतने टाइम में ना बाहर रहा है, यानी एक शख्स जो पूरे सिस्टम से बाहर रहा हो और कानों को उसकी आवाज ना सुनाई दी गई हो, फिर जब वो इलेक्शन के लिए आएगा और उसकी आवाज कानों में लोगों को सुनाई देगी तो लोगों की एक नई उम्मीद जागेगी, क्योंकि इमरान खान ने अपनी आवाज इतनी लोगों को सुनाई है कि लोग अब तंग आ गए, बोर हो गए कि एक ही तकरीर रिपीट पे, एक गाना भी आप बार बार सुने ना आप बेजार हो जाते हैं, चाहे वो गाना आपका जितना भी फेवरेट हो। तो इमरान खान ने वो गा गा के अपनी तकरीर सुना सुना के लोगों को उकता दिया है। अब ये नवाज शरीफ का, मेरा ये ख्याल है कि जनवरी में आप देखना शुरू हो जाएंगे कि नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ के रिटर्न में जो परवेज लाई है मेरा ये ख्याल है पूरी मावनत करेगा, क्योंकि जब तक एस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं होगा नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ जब ही वापस आएंगे, जब एस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन सिग्नल होगा, और जो परवेज लाई है उसको भी बता दिया जाएगा कि तुमने भी मसला नहीं करना है, ना नियाजी की चल सकेगी ना परवेज लाई की चल सकेगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और जो एक पूरा धंधा लगाया था एस्टेब्लिशमेंट ने और पूरा एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की थी, अब एस्टेब्लिशमेंट को भी रियलाइज हो गया है वो बहुत घाटे का सौदा था, बहुत नुकसानदेह सौदा था, वो हमारे गले पड़ गया है, लिहाजा पुराने पाकिस्तान को दोबारा लाया जाए, क्योंकि वो करप्ट तो थे, उनको ये जो दोबारा पुराने पाकिस्तान के लिए जो जो कीमत अभी पेड की गई है ना, और जो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और उसमें भी अभी भी इमरान खान को स्लोली स्लोली। और मैं ना परवेज भाई मैं एक बात कहूं, देखें इस बात का क्रेडिट आप इमरान खान को दें, हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इमरान खान को, इस बात का क्रेडिट इमरान खान को दें कि उन्होंने जो लोग उसको लेके आए थे एक टांग पे खड़ा करके तौबा करवाई है कि भैया तजर्बे नहीं करने हैं इस तरह के, जिस तरह के इमरान खान के किए हैं। पूरी कौम को इमरान खान का इस बात पे शुक्रगुजार होना चाहिए, जो 75 साल से सियासत कर रहे थे उनको उनकी हैसियत बताई है इमरान खान ने कि भैया तुम देखो, तुम भी जो है ना वो अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते हो और अपने आप को बहुत बड़ा मारखोर समझते हो, तुम्हारी हैसियत ये है कि एक इमरान नियाजी ने आके इनको चूना लगाया और अभी एक टांग पे खड़े होके ये तौबा कर रहे हैं कि भाई हमने इस तरह, ये देखे ए पॉलिटिकल होने का फैसला क्यों किया है,
ए पॉलिटिकल होने का फैसला नवाज शरीफ की तकरीर की वजह से थोड़ी किया है, इमरान खान की हरकतों की वजह से किया है इन्होंने। इमरान खान इतना बड़ा बोल इतना ज्यादा किया, वरना इमरान खान को वो 10 साल के लेके, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसे एग्री करूंगा। राजा साहब ये देखिए, जिस तरफ मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, एक्चुअली होनी ये गुफ्तगू चाहिए हमारी कम अज कम प्रोग्राम का 45% के, इस मुल्क की मईशत कैसे ठीक हो सकती है। हमें मईशत पे बात करने वाले लोगों को प्रोग्राम में बनाना चाहिए, इस पे बहस करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। सारी नेशन इस वक्त किसी एक पार्टी के बस में नहीं है, किसी एक इंसान के बस में नहीं है, अब पूरी की पूरी कौम को साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हमें इस तरफ लगाया हुआ है कि हम लोग इन्हीं चक्रों में फंसे हुए हैं, इन्हीं बातों पे लगे हुए हैं, खास तौर पर इमरान खान को क्योंकि सूट करता है। उसको चाहिए कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, पीडीएम नाकाम हो जाए और उसके बाद वो इक्तदार में आ जाए। हालांकि करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है और वो आगे दे वो भी कुछ नहीं सकेगा। 3.5 साल जो उसने दिया वो हमने देख लिया। इस्लामाबाद में जो आज हुआ है सर, इस्लामाबाद में जो हुआ है, कहा यह जा रहा है कि बचत हो गई है, एक इंसान शहीद हुआ है, वरना वो गाड़ी जिस तरफ जा रही थी उसका क्या प्लान था, उसने कहां ब्लास्ट करना था, किसी को कुछ नहीं पता है। कहां है सर वो अदारे, कहां है वो लोग जो इस्लामाबाद की हिफाजत करने वाले हैं? इस्लामाबाद वाले लाहौर में बैठे हुए हैं आपके, पता है इससे पहले आपको एक हैपन हुई थी, श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था, उस वक्त भी पंजाब में ही गेम जारी थी, उस वक्त भी गवर्नर राज लगा हुआ था, शबाज शुभ घर भेजने की तैयारी होती थी। देखिए जब आप हुकूमतें पूरी इसी चक्कर में लगी होंगी तो राय साहब फिर इस तरह की तो हैपने होंगी, कैसे किया जा सकता है, क्या सत्य भाव है इस तरह के वाकयात ना हो, इस तरह की चीजें ना हो कि इमरान खान को जल्द अज जल्द काबू किया जाए सर? देखिए उसके लिए तो अब यही है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसों की तादाद है वो बड़ी लंबी है और तकरीबन जितने भी केसेस हैं उनमें बहुत सारे एविडेंसेस जो है ना वो उनके पास मौजूद हैं। आप फॉरेन फंडिंग का केस देखें, तो शाहाना का देखें, और इसके अलावा एक बड़ी लंबी लिस्ट है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि आप अगर फॉरेन फंडिंग की बात करें तो कहते हैं जी देखें जी और कुछ मिला नहीं, फॉरेन फंडिंग ले आए हैं। मालूम जब्बा की बात करें तो कहते हैं जी देखो जी और कुछ मिला नहीं, मालूम जब्बा ले आए हैं। मेट्रो पेशावर की उसकी करप्शन की बात करें तो कहते हैं जी देखें जी और कुछ मिला नहीं है तो ये मेट्रो ले आए हैं। बिलियन ट्री की करप्शन की बात करें तो देखें जी कि और तो कुछ मिला नहीं है और ये बिलियन ट्री ले आए हैं। शुगर स्कैंडल की बात करें तो कहते हैं जी देखें जी और कुछ मिला नहीं तो शुगर स्कैंडल ले आए हैं। लाइक यू नो इतनी लंबी लिस्ट है इस बंदे की, करप्शन की इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं समझता हूँ कि शायद हमने अपनी जिंदगी में भी इस तरह की चीजें ना सुनी हो सियासतदानों की। तो इसके खिलाफ तो इतने सारे एविडेंसेस हैं, अब वक्त है कि उसको जो है ना उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और जितनी देर हम करते हैं उसको काबू करने में उतनी देर हम उसको मजबूत करने में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि एक आम लोगों में ये तासर बहुत हद तक पाया जाता है कि इमरान खान इतना ताकतवर है कि उसको जो है ना ये हाथ तक नहीं लगा सकते। तो ये एक जो जो चीज है इसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा बाकी मामला जो है वो प्रॉपर तरीके से जो चलाना है वो बड़ा मुहाल है। अदनान साहब ने जैसे बात की जी उसकी कोई फॉलोइंग नहीं है, ये है वो है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। देखें बात ये है कि एक बंदे की सेक्सुअल आइडियोज आ रही हैं और उसका एक भी बंदा उसके खिलाफ नहीं गया, बल्कि जो उसके खिलाफ थे वो भी उसके साथ खड़े हो गए। वो देखें जी ये उसकी पर्सनल लाइफ है, ये फलां है, ये जी फेक है, आप वीडियोस भी बनाए वो और जो है ना वो मजीद खड़े हो जाएंगे। तो उसकी जो फॉलोइंग, अच्छा राजा साहब, वो राजा साहब सर जी मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आम लोगों को जो उसने बनाया हुआ था ना, देखें जो कोर सपोर्टर है वो तो ठीक है जो है, मामला ये है कि अब वो कोर सपोर्टर भी जो है वो कुछ तो इनके मैकेनिकल है ना, ये जो अरसलान बेटा टाइप के इन्होंने जो बनाए हुए भर्ती किए हुए लोग वो तो बोर्ड चलाते हैं। मामला ये है कि जो शख्स जो अपना दिमाग का थोड़ा भी इस्तेमाल करता है वो ये सवाल करता है
कि भैया ये इमरान खान की अगर ऑडियो आ रही है और बात की, अच्छा इमरान खान ने अभी जो खिताब किया उसमें उसने ये नहीं कहा कि मेरी ऑडियो नहीं है। अभी देखे ना वो जियो टीवी ने शो किया था तोशाखाना वाला, उसने एक ट्वीट कर दिया था कि मैं इनको लीगली नोटिस भेजूंगा। तो यहाँ पे वो मिन्नतें कर रहा है कि भैया ये ऑडियो रिलीज ना करो, बच्चे भी देखते हैं। अच्छा वो कौन किसके बच्चे देखते हैं और इमरान साहब के कहाँ कहाँ बच्चे हैं, अब इसका भी अंदाजा नहीं है कि इमरान खान को पूरी दुनिया से शायद कॉले आ रही हो, बच्चों को पता लग गया हो उनके वालिद ने ये हरकतें की हुई हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि आम जो अवाम थी जो 27 मार्च के बाद जो एक खत निकाला था और उस पर नौसरबाजी की थी, वो आम अवाम जो उसके वर्गले में आ गई थी ना, अब वो सवाल कर रही है। बिल्कुल ठीक, आम लोग सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, किसी हद तक एग्री किया जा सकता है कि वो जो एक चार्म था ना कि इमरान खान आएगा तो पता नहीं केड़ी क्यामत आ जाएगी, वो उसका वोटर था या नहीं था, लेकिन हर कोई इस बात पे कर रहा था, और किसी हद तक कह रहे हैं, किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, आपसे एग्री किया जा सकता है। राजा भी जी हमें जी हामिद भाई क्या फरमाएंगे आप, ये इस्लामाबाद में जो आज हुआ है मतलब यहां तक उन लोगों का पहुंच जाना, जाहिर है मुल्क में एजेंसियां तो काम कर रही सर, यहां तक पहुंच जाना, ये कहां से गलती है, ये किसकी कोताही है, इसको रोकने वाले कहां मसरूफ हैं सर? देखिए हम तबाही के दहाने पे बैठे हैं और इसका जो है वो हम एक रियासत की और रियासत के जो चलाने वाले हैं और इसमें कुछ हद तक इमरान खान साहब जैसी जो सिविलियन क्यादत है उनके जो फैसले हैं उसके कोलेट्रल डैमेज का हम शिकार हैं। केपीके में पिछले 5 साल में जो कुछ होता रहा आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। रियासत की एक नाकामी थी, 125 बच्चों के कातिल जो है वो बगैर ट्रायल के इस मुल्क से चला जाता है। उसके बाद यानी आप अभी भी वो खबरें निकाल सकते हैं जिसमें गुडविल जेस्चर के तौर पे जो तालिबान कैदी है उनको कैसे छोड़ा गया था। तो ये तो एक यानी एक स्टेट का पूरा एक बैकलॉग है और उसके बाद लब कहने से कासिर है और पर जलते हैं। एक मखसूस पोस्टिंग के साथ पिछले 5-6 महीने में केपीके में बॉर्डर फेंसिंग